पाकिस्तान से किसी ने पूछा, अगर ऐसे घर से रिश्ता आ जाए जो नदर व नियाद और बिदत करते हैं, लड़का नमाज पढ़ता है पाबंदी से, लड़की दीनदार है और बिदत नहीं करती, ऐसे में क्या किया जाए जहां इसके अलावा कोई और रिश्ता दीनदार फैमिली से नहीं आ रहा और लड़की की उम्र भी निकल रही है। अब देखें, इसमें लड़की की अगर उम्र भी निकल रही है तो अगर वो बिदत उनकी शिर्क की हद तक नहीं पहुँची हुई है तो फिर शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि आगे इस लड़की के माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे, भाई अपनी बीवियों के साथ रहते हैं, भाभियों जो है वो कौन बर्दाश्त करता है नंदों को आजकल, तो फिर मजबूरी है, हैं तो मुसलमान, अगर शिर्क की हद तक बिदत नहीं है तो निकाह कर ले फिर मजबूरी में, आम हालात में तो ठीक नहीं है ये, आगे पूरी नस्ल बिगड़ने का अंदेशा होता है, लेकिन मजबूरी है तो फिर कर ले और मोहब्बत से उनको समझाती रहे, अल्लाह से उम्मीदें लगाए कि हो सकता है अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे, नहीं तो फिर अपना घर बसाए, अपना देखे, बस अपनी नमाज की पाबंदी करे, शोहर के हुकूक अदा करे, क्योंकि निकाह के बगैर ज़िंदगी में फिर बड़ी आजमाइशें आती हैं। हाँ, अगर किसी की बिदत इतनी है कि वो शिर्क की हद तक है फिर तो निकाह होगा ही नहीं, फिर तो निकाह करना ना करना बराबर है।